जवान का ट्रेलर देख खुश हुए टाइगर, बोले पक्का थिएटर के अंदर जाके देखूंगा पहला शो। जी हां दोस्तों, एक दिन पहले ही रिलीज हुए शाहरुख खान की फिल्म जवान का ट्रेलर, जो कि काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ऐसे में सलमान खान को भी ये ट्रेलर जो है वो काफी ज्यादा पसंद आया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करके इतनी तारीफ की जो कि ये साफ जाहिर करता है कि इन दोनों की जो दोस्ती है वो कितनी जबरदस्त होने वाली है। ट्रेलर से टाइगर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। आज से पहले सोशल मीडिया पर सलमान खान ने कभी भी किसी ट्रेलर को लेकर ऐसी बात नहीं की है जो कि शाहरुख खान के इस फिल्म के ट्रेलर के बारे में उन्होंने लिखा है। दोस्तों मैं आपको बताते चलूं कि लेटेस्ट पोस्ट में सलमान खान ने जवान के ट्रेलर को शेयर किया है और इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, पठान जवान बन गया है, बेहतरीन ट्रेलर, बहुत पसंद आया, ये ऐसी फिल्म है जिसे हमें थिएटर के अंदर ही जाके देखनी चाहिए, मुझे यकीन है कि मैं इसका पहले दिन का पहला शो जाकर देखूंगा वो भी थिएटर के अंदर, मजा आ गया, वाह। वहीं दोस्तों एक मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो जवान की तारीफ अगर टाइगर कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो बात जरूर है इसके पीछे। वहीं इस पोस्ट के पीछे रिक्वेस्ट करते हुए फैंस ने जवान में सलमान खान के कैमियो की भी मांग कर डाली है। वहीं दोस्तों बात करें जवान के ट्रेलर की, चर्चा काफी समय से हो रही है, लोग इस फिल्म की जो पहली झलक का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे और फाइनली सोमवार को इसकी जो फाइनल झलक है वो लोगों के सामने पूरी ला दी गई। जवान का प्रीव्यू रिलीज हो गया है जिसे वाकई पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म का प्रीव्यू लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। ये फिल्म 7 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। वहीं दोस्तों अगर सलमान खान की बात करें तो सलमान खान भी कई सारे प्रोजेक्ट के अंदर बिजी हैं, लेकिन उनकी जो मच अवेटेड फिल्म में से एक है जो कि टाइगर 3 है, जिसकी शूटिंग अभी चल रही है। कहा जा रहा है कि अगले साल फिल्म को रिलीज किया जा सकता है, जिसमें एक बार फिर से जोया और टाइगर की जोड़ी को एक मिशन पूरा करते हुए देखा जा सकता है। इस फिल्म के पहले लुक ने ही लोगों के दीवानगी जो है वो और ज्यादा बढ़ा दी है। बाकी दोस्तों सलमान खान का इतना तारीफ करना हमको तो कुछ और इशारा करता है। आपको क्या लगता है हमको कमेंट करके जरूर बताएं।